अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। 5 साल पहले जोर शोर से खुला नाक कान गला यानी कनक अस्पताल पर अब ताले डल गए हैं। पार्टनरों की आपसी खींचतान के कारण करीब 70 लोगों का स्टाफ घर बैठा दिया गया है। आर्थिक संकट के कारण अकाउंटेंट अरविंद ने फांसी को गले लगा लिया। एक PRO कमलकांत की पैसे के अभाव में गंभीर बीमारी के चलते मौत हो गई। इतना सब हुआ लेकिन पार्टनर के ईगो क्लैश जारी रही। आज एक पार्टनर डॉक्टर अरुण गोयल ने दूसरे पार्टनर डॉक्टर अंकुर गुप्ता द्वारा डाले गए ताले काट दिए और OPD में जाकर बैठ गए। हंगामा हुआ और दोनों ही तरफ चोर आजमाइश तेज हो गई। जिसका जहां असर था उसने वह इस्तेमाल किया। पुलिस पहुंची और उसने फरमान सुना दिया कि डॉक्टर अरुण 4 अक्टूबर तक अस्पताल का रुख नहीं करेंगे। 4 अक्टूबर को ही कनक का भविष्य तय होगा। वह किसके हिस्से में जाएगा और कौन उस पर अंततः काबिज होगा यह तय किया जाएगा। डॉक्टर अरुण के अधिवक्ता ने सवाल किया है कि पुलिस आखिर किस अधिकार के तहत किसी को उसके ही अस्पताल में उसकी OPD में बैठने से रोक सकती है। बहरहाल मरीजों व स्टाफ के सामने भूखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। लॉकडाउन का असर यूं तो सभी सेक्टर पर पड़ा है लेकिन जहां तक बात मेरठ के कान नाक गले के अस्पताल कनक की करें तो लॉकडाउन से पहले ही दोनों पार्टनर डॉक्टर अंकुर गुप्ता व डॉक्टर अरुण गोयल के बीच ईगो टकराव शुरू हो चुका था। लॉकडाउन से पहले ही इस मनमुटाव के बाद स्टाफ की सैलरी फरवरी मार्च में रोक दी गई थी जिसे बाद में जारी किया गया। 23 मार्च को लॉकडाउन लग गया। मार्च का वेतन दिया जरूर गया लेकिन सारे स्टाफ को लीव विदाउट पे घर बैठा दिया गया। तर्क यही दिया गया कि जब दोनों पार्टनर घर बैठे बेरोजगार हैं तो स्टाफ भी घर पर ही बैठे। आज दोनों के बीच आपसी समझौते हुए कनक के भविष्य को लेकर मीटिंग बुलाई गई थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों पार्टनर के पास अपनी अपनी चाबी हैं और दोनों ही एक दूसरे के कक्ष में चैन डालकर ताला लगा रखा है। डॉक्टर अरुण ने अपना ताला खोला और चैन काटकर OPD स्टार्ट कर दी। डॉक्टर अरुण भारी भरकम लोगों को साथ लेकर वहां पहुंचे थे। इसका जब पता डॉक्टर अरुण को लगा तो वहां हंगामा शुरू हो गया। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं डॉक्टर अरुण गोयल। ये हमने अस्पताल 5 साल पहले खोला था जिसमें 50% के पार्टनर हुए हैं, 50% के शेयर मेरे पास है, 50% के शेयर उनके पास है। अब 1.5 साल से ये चाहते हैं कि अस्पताल बन जाए, उसके लिए कुछ ना कुछ वो होता रहता है और अधिकारियों की इसकी उसकी ये धमकी देते रहते हैं क्योंकि इनके पास लोग आते रहते हैं, काम करने देना नहीं चाहते। आज कुछ विवाद नहीं हुआ, ये कोविड की वजह से अस्पताल बंद हुआ था क्योंकि बहुत तेज़ी से फैला था और हमारे एम्प्लॉय जो हैं अनएम्प्लॉय हो गए, है ना। एक आदमी ने बिल्कुल भूखे मरने की नौबत आ गई, ठीक है। ये हुआ था जब कोविड ख़त्म होगा हमारे खर्चे थोड़े से मुश्किल से निकलते हैं तो हम लोग दोबारा खोल के फिर काम करेंगे। अब 1 महीना हो गया 2 महीना हो गया रेस्टोरेंट खुल गए, पिक्चर हॉल खुल गए, पूरी दुनिया खुल गई, अस्पताल खोलने में क्या दिक्कत है? सर आज क्या मामला है? नहीं तो मैं इनसे कई बार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अस्पताल खोलें, चलें, बैठें। ताला क्यों लगाए गए थे? ताले तो इसलिए लगे थे कि भाई जब हम लोगों ने अभी 1.5 महीने के लिए बंद कर दिया है, कोई एम्प्लॉय वगैरह उसमें अंदर घुसे ना, कोई चोरी चकरी ना हो। ताले इसलिए नहीं लगे थे कि मैं नहीं घुसूंगा, मैं कोई उन्हें आने से थोड़ा रोक रहा हूँ, वो मेरे को आने से क्यों रोक सकते हैं? जैसे उन वो बड़े भाई हैं, जैसे मेरा अस्पताल है वैसा उनका, लेकिन कम से कम मेरे को तो ना निकाले, मेरे को अंदर आने से तो ना रोके। डॉक्टर साहब का कहना है कि 20-25 लोग पहुंचे हैं और मारपीट करी है। अच्छा तो फिर वो दिखाएं चोट के निशान का है। ऐसे ऐसे अगर 20-25 लोग पहुंचे हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ साबित करें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, टोटल झूठ है, ठीक है। मैं भी कह सकता हूँ कि मेरे पास 50 आदमी आए, मैंने मारपीट की, तो आप मान लोगे ऐसे, है ना। वो इस चीज को प्रूव कर दे कि मैंने 20-25 आदमियों को ले आके पिटाई की, मैं छोड़ दूंगा अस्पताल। इस विवाद व जोर आजमाइश के बाद दोनों ही पार्टनरों के समर्थकों का कनक में जमावड़ा लग गया है। अब पुलिस की तरफ से यह तय किया गया है दोनों पक्ष 4 अक्टूबर को तय करेंगे कनक का भविष्य। उधर जब इस बारे में डॉक्टर अंकुर गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि काफी समय से यह विवाद चल रहा है। 18 अक्टूबर को शहर के 2 बड़े चिकित्सकों की मध्यस्थता में मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में सब तय होना था लेकिन आज एकाएक ही डॉक्टर अरुण गोयल ने जबरन अस्पताल पर कब्जा करने की कोशिश की। वह अपने साथ लंबे चौड़े लोग भी लेकर पता नहीं किस इरादे से आए थे।
कोरोना काल को नज़रअंदाज करते हुए डॉक्टर अरुण ने सर्जरी शुरू कर दी थी, जिसका उन्होंने विरोध किया था। डॉक्टर अरुण के खिलाफ 27 जुलाई को सामान आदि ले जाने की रिपोर्ट भी उन्होंने दर्ज कराई थी। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।